राम राम साहब, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, रापा देखनो शुरू कर चुके हैं केटीएच राजस्थान। राजस्थान री समृद्ध संस्कृति और ई माटी ने जितो वंदन करे नमन करे कितनो कम है, क्योंकि ई माटी के मायने यान का महान पुरुष पैदा हुआ है, महान योद्धा पैदा हुआ है, जका ई समाज के लिए आपके प्राणों की आहुति दी है और समाज की हमेशा ही रक्षा करी है, और राजस्थान हमेशा ही आपकी वीरता के लिए जानी जो है और जड़े वो आपकी वीरताओं के लिए जानी जो है। बठई अठे की समृद्ध संस्कृति है, भी को एक बहुत बड़ो हिस्सों है अठे को प्यारो मीठो संगीत और अठे यहाँ का संगीतकार पैदा हुआ है कि यहाँ बाके सुर जित काना में पड़े तो मिश्री सी गुड़ जावे। यहाँ का ही एक संगीत जो कि आपने लाख लोग देवता है, देवी देवता है, बाकी महिमा गावे आपने अठे की माटी से जुड़ेड़ा भोपा और भोपी। आज भोपा और भोपी की सुंदर प्रस्तुति आप सब सागर ले रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देवेला आपको परिचय आप प्राप्त करा। सबसे पहली तो कौन है और कौन से गांव से हैं, तो राम राम साथ ने भोपली। हां साहब, गांव घोड़ा क्या बजरंग राम भोपा। बजरंग राम जी भोपा जो को आपने सुजानगढ़ तहसील राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में ग्राम मुड़ा किया है, मुड़ा किया में आपको निवास है, तो सुंदर संगीत आप यहाँ पीढ़ियों बजाता आया हो या आप नयो से? हाँ साहब, सेठ पीढ़ी से बजाता आ रहा हूँ। हाँ दादा परदादा अपना ये साज दादा परदादा बजाता आया। वो तो आपने मतलब पीढ़ियों ही बाप दादाओं से तो सीखे होगो, अलग से सीखने की तो कोई जरूरत नहीं। हां बाप दादा ने साथ सीखे हो सीखे हो। ओ जो साज है इन आपा राउंड हट बोला, ई राउंड हट ने आपा घर ही बनावा या आपा बनाएडो लेके आओ? ई राउंड तन घर ही बनाना पड़े सर। इन के चीज से बने? ओ बने बांस से बने, नारियल बने, नारियल बांस से बनता है। तो इको जो सुरंग को ज्ञान है, इको संगीत को जो ज्ञान है, वो थाने की जगह पर मिलियो या थाने पिताजी थाका गुरु? मांगे पिताजी गुरु आ गुरु को मांग पिताजी का बताया हुआ साथ है। तो और आप प्रस्तुतियां देने आप जगह जाता होगा देश भर के मायने अपने क्षेत्र के मायने ज्ञान को प्रेम मिले लोगों को? बहुत बढ़िया प्रेम मिले, बहुत बढ़िया प्रेम से सुने, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे रात के टाइम में, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे बाबू जी महाराज। तो बाबूजी महाराज की खड़े विशेष रूप से भोपा भोपी के मुंह से ही ओपे और यहाँ और भी सुंदर सुंदर किशा किशा भगवान का भजन वगैरह गाता रहता और सब भजन बोला, माता जी का, रामदेव जी का, बालाजी का, भैरव जी का, करणी माता का सब भजन बोला। एक बात मैं पूछूं कि जी हाँ, आज को जो समय है जिके के मायने आपने वो वेस्टर्न संगीत है जो तड़क भड़क को संगीत है वो भी कुछ ज्यादा हावी हो गयो, तो एक मायने अब जिका आपने कल्चर में जुड़ेड़ा जिका लोग है वे आज भी संगीत ने सुनना चाहे पर आजकल की कमी होती जा रही है, तो ये कमी को कितो दुख हुए के यार आपा जो संगीत एक टाइम में लोग का दीवाना होया करता और आज जिकी मायने थोड़ी बहुत कमी महसूस हो। हाँ साहब, बी टाइम संगीत की बहुत कदर इसकी, बहुत कला इसकी, संगीत में बहुत मानती दुनिया, बहुत मानती संगीत को। आज ये पसंदीदा संगीत है जगह मतलब अनुभव हो रहा है इसको, कम मानने लग रहे हैं। तो आगे आने वाली पीढ़ियां जी की थाकी है थाका बच्चा वगैरह बे ये संगीत के लाइन में है या दूसरों काम भी ये बता जगह ये संगीत के लाइन में नहीं पढ़ सकता, ये संगीत सीखी जी नहीं सकता भाई साहब मान से। अब का जगह जो हमारा बच्चा वो ये संगीत नहीं सीख पा सकता नहीं, इशू काई चीज है जो आप आगे मतलब यूं कमाई कोई हुए ढंग से जा कमाई भाई साहब बहुत होती है इसमें, बाहर का प्रोग्राम इसका आता है, बहुत दुनिया इसको बाहर ले जाती है, बहुत अच्छा संगीत है ये, इसका नाम है रावण था, बाबू जी महाराज का पुराना संगीत है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलता है इससे। तो बाबू जी महाराज का और भी विभिन्न देवी देवताओं का और आपने राजस्थानी लोक गीता को सुंदर आनंद लेवाला आपने साथ में कलाकार है बजरंग राम जी जो कि सुजानगढ़ तहसील के मुड़ा क्या गांव से हैं, आपकी जुड़ायत के साथ सुंदर मधुर गीता को आप आनंद लेवा।
Yeah.